जॉन मॉक्सली की रिपोर्ट्स आई नेगेटिव, सीना बोले द रॉक के प्रति है रिग्रेट, एज ने करी है बिग डॉग की तारीफ और जाने की क्या कुछ और बड़ा आज है नेक्स्ट के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप सर WHG। तो गाइस आज की वीडियो काफी धमाकेदार होने जा रही है। इसके अंदर दोस्तों हमें WWE NXT समेत जॉन सीना और रोमन रेंज जैसे सुपरस्टार्स की खबरों को कवर करेंगे, तो होप करता हूं वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगर दोस्तों आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर जाना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं NXT की। NXT आज की हो चुकी है खत्म। आज की NXT के अंदर दोस्तों हमें बहुत बेहतरीन मैचेस देखने को मिले हैं। सबसे पहला मैच जो हमने देखा वो था दोस्तों कैमरन ग्राइम्स का, जो कि फेस किए थे डेमियन प्रीस्ट को। इस मैच की बात करूं मैच से पहले दोस्तों कैमरन ग्राइम्स ने इंजर्ड कर दिया था प्रीस को, जिसके चलते उन्हें काफी ज्यादा फायदा मिला इस मैच में और इसके अंदर कैमरन ग्राइम्स ने विजय प्राप्त की। तो गाइस रिप्स को इंजर्ड करके कैमरन ग्राइम्स इसमें विजय रहे, काफी चपलता का प्रदर्शन उन्होंने किया। बात की जाए इसके बाद अगला मैच कौन सा था, तो गाइस इसके बाद जो अगला मैच था वो था एस्कोबार का। एस्कोबार ने फेस किया जेक एटलस को। आप जानते हैं हमारे क्रूज़रवेट चैंपियन फैंटास्मा अब एस्कोबार बन चुके हैं। यहाँ दोस्तों हील एस्कोबार की विजय रही और उन्होंने जेक एटलस को यहाँ स्क्रू किया। इसके बाद जो अगला मैच था गाइस वो था गाइस आपके केसी कार्टर का, यानी कि केसी और कार्टर ने फेस किया है यहाँ काय और गोंजालेस को। आप जानते हैं गोंजालेस उनकी एक तरीके की अंगरक्षक है और यहाँ दोस्तों मैच की बात करूँ गोंजालेस ने अपने साइज का पूरा फायदा उठाया और इसके अंदर काय और गोंजालेस विजय रही। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच था वो था दोस्तों कैरियन क्रॉस का, जो कि फेस के ब्रॉन्सन को। ब्रॉन्सन ने कॉल्ड आउट किया था कैरियन क्रॉस उर्फ किलर क्रॉस को, किलर क्रॉस ने दोस्तों उनकी कॉल का जवाब दिया। ये मैच दोस्तों बहुत ब्रूटल था और आज के NXT का सबसे बेहतरीन मैच दोस्तों मुझे यही लगा। इसके अंदर हमें हार्ड हिटिंग एक्शन देखने को मिला दोनों की तरफ से, जहां दोस्तों अंत इस तरीके से है कैरियन क्रॉस ने लगा अपना सबमिशन और ब्रॉन्सन ने कर दिया टैप आउट, तो कैरियन क्रॉस की तगड़े वाली जीत हुई। इसके बाद जो अगला मैच था वो था रिया रिप्ले का, जो कि फेस के आलिया को। इस मैच के अंदर रॉबर्ट स्टोन बीच बीच में इंटरफेरेंस की कोशिश कर रहे थे लेकिन फायदा उसका नहीं मिलता है वहां आलिया को और दोस्तों जो इसमें विजय रहती है वो रहती है दोस्तों रिया रिप्ली। इसके बाद दोस्तों हमें सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग देखने को मिला, जो कि था डेक्स्ट और लूमिस का, जो कि फेस के स्ट्रॉन्ग को। रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग दोस्तों मैच से पहले काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो चुके थे क्योंकि डेक्स्टर ने उन्हें कई बार डराया धमकाया और ऐसे ही कुछ हुआ दोस्तों, जहां हमें एंगल देखने को मिला कि गाइस जैसे मैच स्टार्ट हुआ डेक्स्टर से डर कर दोस्तों रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग भाग खड़े हुए और काउंट आउट होगी और लूमिस इसमें विजय रहे। इस मैच के बाद जो नेक्स्ट मैच था गाइस वो था हमारा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, और लिटरली दोस्तों इसे मेन इवेंट कहना भी पड़ेगा। यह था कीथ ली बनाम फिन बैलर बनाम जॉनी गार्गानो फॉर द नंबर वन कंटेंडरशिप फॉर WWE NXT टाइटल। तो कंटेंडरशिप के साथ साथ दोस्तों यहां टाइटल भी दाव के ऊपर था। कीथ ली के दोस्तों जो स्टेक्स थे काफी ज्यादा हाई थे कीथ ली के लिए और गाइज इसके अंदर कीथ ली ही विजय रहे। मैच की शुरुआती क्षणों में तो दोस्तों कीथ ली ने बहुत तगड़ा डोमिनेशन दिखाया लेकिन धीरे धीरे दोस्तों जॉनी गार्गानो और जो आपके फिन बैलर है उन पर पकड़ बना लेते हैं और फिर हमें एक्शन देखने को मिलता है जॉनी और फिन बैलर के मध्य। मैच के मिड में दोस्तों जो मैच है फिन बैलर की ओर जा रहा होता है लेकिन अंत आते आते दोस्तों कीथ ली कम बैक कर देते हैं और जैसे उन्होंने कम बैक किया दोनों का दोस्तों उन्होंने चपाती बना लिया। अंतिम क्षण में दोस्तों हमें एंगल देखने को मिला कि गाइस कीथ ली ने अपना फिनिशर जड़ दिया आपके फिन बैलर को और फिन बैलर वहां पिन को नहीं तोड़ पाए और उनकी हो गई पिन और कीथ ली इस तरीके से इस मैच में विजय रहे। इस मैच को जीतने के साथ साथ दोस्तों उन्होंने दो बड़ी चीजें कर दी। पहली तो उन्होंने अपना टाइटल डिफेंड कर दिया, नॉर्थ अमेरिकन टाइटल दोस्तों वहां डिफेंड होगा और दूसरी चीज ये कि अब वो बन चुके हैं नंबर वन कंटेंडर। और उसके बाद हमें चीज भी देखने को मिलती है कि जो एडम कोल है, जो कि हमारे NXT चैंपियन है, वो रिंग के अंदर आते हैं और दोनों के मध्य एक ब्रीफ स्टेयर डाउन होता है। दोनों अपने अपने टाइटल हाथों में उठाते हैं। तो NXT काफी जबरदस्त रही है और काफी मजा आया दोस्तों, लेकिन अब हम चलते हैं आज के इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर। तो गाइस सेकंड टॉपिक जो आज की इस वीडियो का जुड़ा हुआ है वो जुड़ा है दोस्तों खबरों से। तो सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली से। तो सुबह वाली वीडियो के अंदर दोस्तों हमने बताया था आपको कि जो मॉक्सली है वो एक संदेहजनक स्थिति में है क्योंकि उनकी पत्नी को हो चुका है कोरोना वायरस और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों वो काफ़ी खुश करने वाली है। दरअसल जॉन मॉक्सली के टेस्ट किए गए थे इस दिन दोस्तों, जो जॉन मॉक्सली है वो काफ़ी संदेहजनक स्थिति में आ चुके थे क्योंकि सुबह सुबह उनकी वाइफ ने एक ट्वीट किया था जिसमें बताई थी कि उन्हें कोरोना हो चुका है, वो पॉजिटिव पाई गई है। मॉक्सली के टेस्ट दोस्तों नेगेटिव आए हैं डे मेलर के मारे, तो रिसेंट टेस्ट में दोस्तों मॉक्सली नेगेटिव पाए हैं। माना दोस्तों उन्हें COVID-19 नहीं हुआ है, अभी के लिए दोस्तों यही बताया जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं जो कोरोना वायरस बीमारी रहती है इसके लक्षण थोड़े समय बाद भी दिखाए जाते हैं और इसका मतलब साफ है कि फाइटर फेस्ट ऑन है,
वो दोस्तों वहां ब्रायन केज को जरूर फेस करेंगे। लेकिन सिंस दोस्तों जो मॉक्सले काफी समय तक रहे हैं रेन यंग के साथ, तो यहां दोस्तों जो AEW है रिस्क नहीं लेने वाला है और कुछ एक समय तक दोस्तों आपको मॉक्सली AEW से गायब ही दिखते हुए नजर आने वाले हैं। तो गायब रहेंगे ऑल इलीट रेसलिंग से, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं ये जो कोरोना बीमारी है कुछ समय बाद भी अपने लक्षण दिखाती है, और हाल ही के टेस्ट में तो दोस्तों नेगेटिव आए हैं, लेकिन आगे जाकर दोस्तों कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी होगी दोस्तों कि पहले टेस्ट में हमारे मॉक्सली हमारे डीन नेगेटिव पाए गए हैं, तो काफ़ी बढ़िया खबर यहाँ निकल कर सामने आई है। लेकिन अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो गाइस इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों लिव मॉर्गन से, जो कि हो चुकी है WWE से नाराज। तो बेहद कम सुपरस्टार्स है जो कि WWE के खिलाफ जाते हैं WWE में रहकर, और ऐसी दोस्तों हमारी एक महिला रेसलर है जिनका नाम है लिव मॉर्गन। तो लिव मॉर्गन को कई लोग पसंद करते हैं और कई लोग नापसंद भी करते हैं। हाल में दोस्तों लिव मॉर्गन ने WWE के ऊपर ही सवाल उठा दिया है। दरअसल आपको मैं बताना चाहूँगा कि लिव मॉर्गन ने जो इस हफ्ते फेस की नटालिया को, जिस मैच के अंदर दोस्तों जो लाना और नटालिया के साथ दिखाई दी थी, उस मैच को दोस्तों कई कंट्रीज़ के अंदर दिखाया ही नहीं गया है, और जिन कंट्रीज़ में दिखाया वहाँ भी दोस्तों उसे आधा आधा दिखाया गया, जिसके चलते लिव काफ़ी ज़्यादा दुखी है और उन्होंने WWE को इस बात को लेकर कॉल्ड आउट कर दिया ट्विटर पर। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्वीट करके दोस्तों लिव मॉर्गन का कहना क्या रह रहा है। लिव मॉर्गन का कहना ये रह रहा है कि धन्यवाद जो तुमने मेरे उस मैच की तस्वीरें डाली अपनी वेबसाइट के ऊपर जो कि कभी एयर ही नहीं हुआ। तो गाइस यहाँ लिव मॉर्गन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड WWE से, और इसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि जो पॉल हेमन है वो लिव मॉर्गन को पुश दे रहे थे, लेकिन अब उन्हें एग्जीक्यूटिव पद से हटा दिया गया, जिसके चलते लिव मॉर्गन का जो पुश था वो अधर में लटक चुका है। तो होप करते हैं दोस्तों लिव मॉर्गन को आगे जाकर बढ़िया पुश मिले। हम चलते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ के ऊपर। तो गाइस सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। तो गाइस रोमन रेंस की कर दी है रेटेड आर सुपरस्टार ने तारीफ। तो आप जानते हैं एच जो है वो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज का पार्ट रहे हैं, पास्ट में दोस्तों उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू दिया। आज दोस्तों एक और इंटरव्यू उनका हुआ जिसके अंदर उनका कहना ये रहा कि रोमन रेंस को अंडरटेकर से मशाल लेनी चाहिए थी। तो पासिंग द टॉर्च एक ऐसी टर्म है रेसलिंग की दुनिया में, जिसका मतलब ये होता है कि अपनी लेगेसी यानी कि एक ओल्ड लेजेंड की लेगेसी किसी दूसरे रेसलर को प्रदान करना, वो भी उसके द्वारा। तो यहाँ दोस्तों एज के अनुसार जो अंडरटेकर है उन्हें अपनी लेगेसी प्रदान करनी चाहिए थी रोमन रेंस को, और रेसलमेनिया 30 में जो उनकी हार हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। एज के अनुसार दोस्तों जो अंडरटेकर थे वो उन्हें भी फेस किए हैं रेसलमेनिया के अंदर। एज बोले कि मैंने भी फेस किया अंडरटेकर को, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं उसकी स्ट्रीक खत्म करता हूँ तो नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ भी खास नहीं रहेगा, और ऐसे ऐसे करते अंडरटेकर की स्ट्रीक बढ़ती गई और धीरे धीरे वो रियलिटी में मेन इवेंट बन गया। लोग अंडरटेकर को देखने रेसलमेनिया आया करते थे, वो वर्ल्ड टाइटल से बड़ा हो गया, स्ट्रीक मानो खुदा हो गया रेसलमेनिया के लिए। और हुआ क्या कि ब्रॉक ने उसकी स्ट्रीक तोड़ दी रेसलमेनिया 30 में, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत थी क्योंकि ब्रॉक ऑलरेडी एस्टैब्लिश था, और मेरे अनुसार रोमन रेंस को हराना चाहिए था अंडरटेकर को। अगर ऐसा होता तो असलियत में वो वाली थिंग होती कि पासिंग द टॉर्च अंडरटेकर रोमन रेंस को इस दुनिया का या फिर कह लीजिए मॉडर्न एरा का अंडरटेकर बना देते, एक तरीके से रोमन रेंस का उसमें काफ़ी ज़्यादा भला होता। लेकिन ब्रॉक ने रेसलमेनिया की स्ट्रीक उनकी तोड़ दी, जो कि काफ़ी गलत थिंग थी। तो एज के अनुसार बिग डॉग को वो व्यक्ति होना चाहिए था। आपके अनुसार क्या एज का ओपिनियन सही है कि नहीं, कमेंट करके बताएगा। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर तो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। तो गाइस जॉन सीना ने किया है रिग्रेट द रॉक के प्रति। तो आज से कई साल पहले लगभग 2011 में दोस्तों हमें राइवलरी देखने को मिली थी जॉन सीना और द रॉक के मध्य। उस राइवलरी को दोस्तों आज तक याद किया जाता है, लेकिन सीना के दिमाग में दोस्तों उसकी कुछ बुरी यादें। तो हाल ही में दोस्तों जो सीना एक इंटरव्यू का पार्ट हुए जहां सीना ने कहा कि मैं गलत था, मैं बहुत बड़ा स्टूपिड था। तो क्यों खुद को स्टूपिड बोले? दरअसल सीना जो है उनके अनुसार वो 2011 में द रॉक थे, उन्हें काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें बोल गए जो कि काफ़ी पर्सनल थी। सीना बोले कि मैंने द रॉक को ये चीज़ कही थी कि काफ़ी बड़ा स्वार्थी है और एक तरीके का ऐसा बंदा है जो कि हॉलीवुड में गया WWE को जिसने बीच मझधार में छोड़ा, वो एक सेल आउट है। आपको याद होगा उस वक्त सीना के शब्द थे, उन्होंने लिटरली सेल आउट कहा था द रॉक को, जिसका मतलब ये था कि वो पैसे के पीछे भागा। लेकिन आज आप जानते हैं कि सीना भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, वो WWE को छोड़कर इसीलिए गए
ताकि वो बड़ा पैसा कमा सके हॉलीवुड के अंदर। आज दोस्तों सीना को पता चल रहा है कि उनके वर्ड्स आज उनके ऊपर ही लग रहे हैं और सीना जो है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं। वो चीज़ बोले कि द रॉक के प्रति जो कुछ उन्होंने कहा था उनके अनुसार वो बिल्कुल भी उन्हें नहीं कहना चाहिए था। आज सिचुएशन कुछ ऐसी आ चुकी है कि सीना और द रॉक दोनों हॉलीवुड के अंदर है। हालांकि द रॉक उनसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं लेकिन सीना भी अच्छा खासा कमा रहे हैं। और सीना को दोस्तों अब वो बात दिल पर लगती है, अब उन्हें याद आता है कि मैंने क्या कुछ कहा था द रॉक को। वेल जो भी था दोस्तों, सीना ने उस राइवलरी को काफ़ी मज़ेदार बनाया था। सीना वर्सेज द रॉक दो बारी हो चुकी है, होप करते हैं तीसरी बार हमें इन फ्यूचर देखने को मिले। बड़ा आज की वीडियो इतनी, तो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शबक है।